मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब बीजेपी विधायक विश्वास सारंग का विवादास्पद बयान सामने आया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि नेहरू और इंदिरा गांधी की वजह से देश में आतंकवाद पनपाए। नेहरू ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो जो निर्णय लिए वे सब घातक रहे। वहीं कांग्रेस ने विश्वास सारंग के बयान का पलटवार करते हुए कहा है कि देश की आजादी के लिए नेहरू का विशेष योगदान रहा। आजादी के लिए कई साल वो जेल में रहे, उनका योगदान बड़ा है। नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने आप को और अपने परिवार को इस देश की राजनीति में स्थापित करने के लिए जो जो निर्णय लिए वो देश के लिए बहुत घातक हुए। यदि आज आतंकवाद फैल रहा है तो उसमें नेहरू सरकार की वो योजनाएं थी जिसके कारण कश्मीर की समस्या पैदा हुई। 370 हो, 35A हो या उनकी ढीली पोली नीति, उसके कारण इस देश में आतंकवाद पनपा है। कि नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने आप को और अपने परिवार को इस देश की राजनीति में स्थापित करने के लिए जो जो निर्णय लिए वो देश के लिए बहुत घातक हुए। यदि आज आतंकवाद फैल रहा है तो उसमें नेहरू सरकार की वो योजनाएं थी जिसके कारण कश्मीर की समस्या पैदा हुई। 370 हो, 35A हो या उनकी ढीली पोली नीति, उसके कारण इस देश में आतंकवाद पनपा है। कि नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चलिए, तो इस बयान के बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन आनंद तारण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विश्वास सारंग का कहना है कि नेहरू और इंदिरा गांधी की वजह से देश में आतंकवाद पनपा है। ऐसा है, ये केवल खबरों में बने रहने के लिए सब बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। ये इनसे ये पूछा जाए कि जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जब इंदिरा जी और नेहरू जी देश की सेवा कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, तब ये इनकी विरासत क्या कर रही थी और ये आदरणीय विश्वास सारंग कहाँ थे उस समय? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, केवल अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, केवल अपने नेताओं के सामने अपने आप को ऊर्जावान सिद्ध करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इनकी विरासत में जब देश आजाद हो रहा था मुखबरी का काम किया था, ये इन लोगों को जानने चाहिए जी। ये इनकी विरासत जब देश की आजादी में क्या कर रही थी, सबसे बड़ी बात ये। आनंद तारण जी, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको अगर पीछे लेकर जाऊं तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के कई नेता पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के को लेकर कई बयान देते आ रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे चाहे वो धारा 370 हो, अब आतंकवाद को लेकर, यानी कि हमारे देश में भी अगर इस तरह से बयानात आ रहे हैं, हमारा देश ये भी एकजुट नहीं है, तो ये बयान तो पाकिस्तान के लिए फिर बेहतर साबित होगा कि देखिए ये बीजेपी के लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, यही लोग आतंकवाद फैलाते हैं, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या मैसेज क्या जाएगा? इस तरह की बयानबाजी जायज नहीं है लोकतंत्र में। ये बिल्कुल जायज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो राजनीति में आए हैं, इनका काम है केवल जनता की सेवा के लिए हम आए, राजनीति में आ जाएं। अगर इस तरह के आरोप, विश्वास सारंग के इस बयान ने क्या तस्वीर पेश कर दी है हिंदुस्तान की, वो आप बताइए। ये जो बयान दे रहे हैं इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता, इससे पूरा देश में अलगाववाद पैदा हो रहा है, एक दूसरे के लोग दुश्मन हो रहे हैं। बिल्कुल, जो एकता होनी चाहिए हम लोगों में उससे हम अलग जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस चीज का फायदा दूसरे देश उठा सकते हैं, पड़ोसी उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे देश भी उठा सकते हैं, और केवल ये लोग, केवल इनको विध्वंस के अलावा कुछ नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, ये केवल देश में आतंकवाद, अलगाववाद और तोड़फोड़ के अलावा कुछ नहीं करती। बिल्कुल, कांग्रेस विधायक विश्वास सारंग के इस बयान को किस तरह से देख रही है और क्या कांग्रेस अब जवाब देने की तैयारी कर रही है? आनंद तारण जी, देखिए कांग्रेस तो हमारा तो सीधा ये है कि जनता से जो हमने वादे किए, जनता से को हमने जो वचन दिए, उन वचनों पे हम किस तरह से खड़ा उतरे, किस तरह से जनता का विश्वास अर्जित कर सके, हमारी प्राथमिकता मध्य प्रदेश में ये है।
दूसरा ये देश में कैसे एकता बनी रहे, ये काम भी कांग्रेस का है। और कांग्रेस ने हमेशा जब देश में आफत आई है, जब देश में संकट आया, उस समय देश के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। कांग्रेस का ये चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इनके नेता सब परिलक्षित दे रहे हैं। किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से केवल अपने आप को खबरों बनाए रखने के लिए, किस तरह से देश की आजादी के जो प्रणेता है उनको बदनाम करने के लिए किस तरह से कुत्सित प्रयास ये कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों में कभी इनको सफलता नहीं मिलेगी। कोई देश जानती है कि किस तरह से सुई से लेकर हवाई जहाज तक की परिकल्पना, उस समय जिस समय हमारे पास खाने के लिए कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए अनाज नहीं था, उस समय आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करकर पूरे संसार का नक्शा बदल दिया। ये हमारी चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र केवल तोड़ फोड़ का है, समाज में डिस्टेंस पैदा करने का है। और यही आनंद तारण जी यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि नेहरू ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो जो निर्णय लिए वो सब घातक रहे। नेहरू जी ने जो किया वो तो आजाद हिंदुस्तान संसार में कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने घर का पैसे लगा के इस देश को सींचा, संसदा उनके परिवार में तो ये था कि उनके, आपने बताया होगा, आप लोग बताते जो कि उनके बंगले के चारों तरफ चार गाड़ियां खड़ी रहती थी, उनके कपड़े प्रेस से धुल के आते थे। इसके बाद उन्होंने इस देश की सेवा में अपने आप को अर्पित कर दिया। ये चरित्र हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर जेल में कोई रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा नेता है जिसने इस देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया? कौन सा ऐसा नेता जो अपने आप को जेल में चला गया? ऐसे उनके नेता है जो वरिष्ठ नेता जिनको हम भी सम्मान देते हैं, वो भी जेल से माफी मांग के आए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, लेकिन ये जनता धीरे धीरे इनकी असलियत को जानेगी, पहचानेगी। बिल्कुल, लेकिन आनंद तारण जी ये जो बयान आया है इसने कांग्रेस को लेकर, चाहे कोई भी दल हो, इस तरह का बयान कि आतंकवाद फैलाया है, अलगाववाद फैलाया, ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति, भारत के लोकतंत्र में ये जायज नहीं है। इससे आप पाकिस्तान को बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं कि देखिए हम जो बातें बोलते हैं दूसरे देशों के लिए ये भारत में ही होता है। नहीं, ये हमारे हमारे मीडिया को भी इस बारे में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि जो जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं उनको कितना प्राथमिकता दी जाए। ऐसे लोगों को आपको हतोत्साहित करने चाहिए, ऐसे नेताओं को आपको हतोत्साहित करने चाहिए, आपको उस मानसिकता को आगे बढ़ाने चाहिए जो देश को जोड़ने का काम करती है, जो देश को जोड़ने वाले, समाज को जोड़ने वाले, समाज की सेवा करने वाले लोगों को आप आगे बढ़ाइए, उस मानसिकता को आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।